पता कैसे चलता है कि कौन जज सीनियर है और कौन जूनियर? आज मैंने 7 अगस्त 2018 को हमारी सुप्रीम कोर्ट को 3 नए जज मिले। देश के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सबसे पहले जस्टिस इंदिरा बनर्जी को शपथ दिलाई, फिर जस्टिस विनीत सरल को और आखिर में जस्टिस के एम जोसेफ को। आमतौर पर शपथ ग्रहण सुनकर हमें अच्छी फीलिंग आती है, प्रमोशन किसे पसंद नहीं, और वो भी देश की सबसे ताकतवर संस्थानों में से एक में। लेकिन आज सुबह हुआ ये शपथ ग्रहण एक विवाद की छाव में हुआ। विवाद ये कि जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जोसेफ का नाम जस्टिस बनर्जी और जस्टिस सारन से पहले केंद्र सरकार को भेज दिया था, तो फिर उन्हें तीसरे नंबर पर शपथ क्यों दिलाई गई? इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज 6 अगस्त को CGI से भी मिले थे। तीसरे नंबर पर शपथ लेने से जस्टिस जोसेफ इन दोनों जजों से जूनियर हो जाते हैं। लोगों के मन में सवाल है कि क्या ऐसा जानबूझकर किया गया? मार्च 2016 के आखिर में उत्तराखंड के 9 कांग्रेस विधायकों ने बगावत कर दी थी। आप सोच रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट से पॉलिटिक्स पे चला गया, करेक्शन है दोनों में। उत्तराखंड विधानसभा के तब के स्पीकर गोविंद कुजवाल ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। 28 मार्च को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय कैबिनेट यानी कि मोदी सरकार की सलाह पर हरीश रावत की कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और विधानसभा को निलंबित। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन कांग्रेस ने केंद्र को अदालत में घसीट लिया और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाकर हरीश रावत की सरकार को बहाल कर दिया। ये फैसला सुनाने वाले जज थे जस्टिस के एम जोसेफ। कनेक्शन आ गया, इसलिए दबी जुबान ऐसी चर्चाएं खूब हुई कि केंद्र सरकार और खासकर भाजपा नहीं चाहती कि जस्टिस जोसेफ सुप्रीम कोर्ट आए, इसीलिए पहले उनका नाम फाइनल करने में देरी की गई। लेकिन जब कॉलेजियम लगातार जोसेफ का नाम आगे बढ़ाता रहा तो केंद्र ने उनके नाम पर हामी तो भरी लेकिन उन्हें सबसे जूनियर बनाया। आसान भाषा में आज यही समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे तय होता है कि कौन जूनियर है कौन सीनियर। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट में सीनियोरिटी तय कैसे होती है? पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत आपने सुना होगा, वही यहाँ काम करता है। जो व्यक्ति पहले शपथ लेगा वो बाद में शपथ लेने वालों से सीनियर होगा। दूसरा सवाल कि शपथ पहले कौन लेता है? जवाब, जिसके नाम पहले वारंट निकलता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों का एक कॉलेजियम होता है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए केंद्र सरकार को नाम भेजता है। केंद्र सरकार की सलाह पर देश के राष्ट्रपति एक वारंट जारी करते हैं जिसके मुताबिक जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पद की शपथ लेते हैं। केंद्र सरकार कॉलेजियम के बढ़ाए नाम को वापस भेज सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम फिर वही नाम आगे बढ़ाए तो सरकार को वारंट जारी करना ही पड़ता है। तीसरा सवाल, कॉलेजियम किसका नाम आगे बढ़ाता है? जवाब, सुप्रीम कोर्ट आने से पहले भी जजों की एक सीनियोरिटी लिस्ट होती है, द ऑल इंडिया हाई कोर्ट जजेस सीनियोरिटी लिस्ट। लेकिन कॉलेजियम सरकार को नाम देते वक्त इस लिस्ट के अलावा भी 2 चीजों पर ध्यान देता है। पहला कि संबंधित जज कितने काबिल हैं, और दूसरा कि देश की सभी हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट में बराबर प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं। मिसाल के तौर पर देश के जस्टिस JS खेर जस्टिस दीपक मिश्रा से हाई कोर्ट जजेस सीनियोरिटी के मामले में जूनियर थे, लेकिन कॉलेजियम ने जस्टिस खेर का नाम पहले आगे बढ़ाया और वो देश के 44वें CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस दीपक मिश्रा देश के 45वें यानी कि हालिया चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस जोसेफ का नाम किसने आगे बढ़ाया? अगला सवाल, कॉलेजियम ने 10 जनवरी 2018 को जस्टिस जोसेफ का नाम वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा के साथ केंद्र सरकार को भेजा था। अप्रैल में सरकार ने वारंट निकाला लेकिन सिर्फ इंदु मल्होत्रा के नाम का, और वो जस्टिस मल्होत्रा हो गई, लेकिन जस्टिस जोसेफ का नाम वापस आ गया। 16 जुलाई को कॉलेजियम ने जस्टिस जोसेफ का नाम जस्टिस बनर्जी और जस्टिस सरन के नाम के साथ फिर भेजा। इन तीनों नामों में जस्टिस जोसेफ के नाम की फाइल सबसे पहले थी, इस उम्मीद में कि सबसे पहले वारंट भी उन्हीं के नाम से जारी होगा। लेकिन 3 अगस्त को जारी होने वाले वारंट में जस्टिस जोसेफ का नाम आखिरी था। अगला सवाल, जस्टिस जोसेफ के जूनियर होने से क्या फर्क पड़ता है? आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो CJI बनता है। कोर्ट में जजों की सीनियोरिटी की जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक जस्टिस बनर्जी, जस्टिस सरन और जस्टिस जोसेफ में से कोई भी देश का CJI नहीं बनने वाला। लेकिन सीनियोरिटी का फर्क एक जगह पड़ता है, कॉलेजियम फिर जब एक से ज्यादा जज
किसी फैसले पर सुनवाई करते हैं तो बेंच का अध्यक्ष भी सीनियर जज होता है। जस्टिस जोसेफ जूनियर हैं तो वो अपेक्षाकृत देरी से बेंच के अध्यक्ष बनेंगे और देरी से ही कोलेजियम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार का पक्ष क्या है इस पूरे विवाद पर? सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों का मानना है कि सरकार ने कोलेजियम की राय दरकिनार करके जस्टिस जोसेफ को जूनियर बनाया। क्या अनुप्रास अलंकार चल रहा है भाई, जस्टिस जोसेफ जूनियर। लेकिन सरकार कह रही है कि उसे 3 जजों के नाम एक ही दिन मिले और इसलिए उसने वारंट हाई कोर्ट जजेस सीनियोरिटी लिस्ट को ध्यान में रखकर जारी किए, जहां जस्टिस जोसेफ सबसे जूनियर हैं।